प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ चार दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर हुआ भव्य स्वागत, मीडिया से भी हुए रूबरू। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न स्थानों पर केक काट कर दी शुभकामनाएं। जिले के सांसद नकुलनाथ ने सौसर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन, निकाय चुनावों को लेकर दिया मार्गदर्शन। और नगरी निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, वरिष्ठ नेता वार्डों में ले रहे कार्यकर्ताओं की बैठक, दे रहे चुनावी जीत का मंत्र। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन, और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का आज चार दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा आगमन हुआ। इस अवसर पर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं सहित आमजन ने उनकी अगुवानी की। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर कांग्रेस नेताओं व आमजन से मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पत्रकारों से भी रूबरू हुए और उनके सवालों के जवाब दिए। थोड़ा रास्ता भी बना दो यार, थोड़ा सा बना दो। ओबीसी आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, आदेश पर सरकार पीठ थपथपा रही है, कैसे दिखते हैं आप? ये धोखा है, ये फरेब है। विधानसभा में जो मैंने कहा, शुरुआत वहां से हुई थी। ये तो करा रहे थे चुनाव, और जो मैंने विधानसभा में कहा आप सबने सुन लिया, वहां से ये कहानी शुरू हुई। तब ये वापस सुप्रीम कोर्ट गए, हमने विधानसभा में, इन्होंने कौन सा पारित किया? मैंने कहा जब तक हम ये संकल्प और हम ये प्रस्ताव नहीं पारित करेंगे तब तक चुनाव नहीं होंगे। तब ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनने कहा कि जो ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट है इनकी अधूरी है। तब इन्होंने फिर से कुछ बनाई, फर्जी बनाई। अब जो आरक्षण हो रहा है हम उसका स्वागत तो करते हैं, पर घोर अन्याय है, हमारे पिछड़े वर्ग के साथ घोर अन्याय है, क्योंकि कहीं 5% कहीं 10% ही मिलेगा। तो ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। पेट्रोल डीजल के रेट कम करेंगे सर? आप 50 रुपये बढ़ा दो और बोलो मैं 7 रुपये कम कर रहा हूँ, तो अपनी पीठ थपथपाओ, अपना पोस्टर लगाओ, अपना बैनर लगाओ। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह का जन्मदिन आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अपने लाडले नेता के जन्मदिन की खुशी कार्यकर्ताओं के चेहरों पर देखने को मिली। सुबह से ही उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचकर शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और केक काट कर खुशियाँ मनाई। आइए अंदर। ये पंडित जी फोटो लो यार, फोटो लो, ये फोटो लो। मुकेश ठीक है, ओके जा करो ना। Happy birthday to you. Happy birthday.
गोला बना लो बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए हैप्पी बर्थडे और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू चंद्रवान जी आगे हम तुम्हारे साथ हैं चंद्रवान जी आगे हम तुम्हारे साथ हैं चले किया चले किशोर चंद्रवान चंद्रवान आगे पढ़ो हम तुम्हारे साथ नहीं बस आप आओ यही हूँ ना मैं गुल्ला ही हो गई कैसी सिंगोड़ी क्षेत्र के सैकड़ों युवाओं ने आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समक्ष कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। शिकारपुर में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे इन युवाओं ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जिला कांग्रेस अध्यक्ष के समक्ष अपनी निष्ठा प्रकट करते हुए कांग्रेस का हाथ मजबूत करने का संकल्प लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी युवाओं को संबोधित करते हुए प्रदेश में चल रहे हालातों को लेकर उन्हें सच्चाई का साथ देने हेतु प्रेरित किया। इधर भैया भैया इधर भविष्य आप लोगों का जी आप अपने भविष्य की रक्षा करें ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है ना अपना भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा वो भैया भैया फट जाओ देते देते साहब देते साहब भैया हाथ हाथ रुक जाओ मैंने क्या कहा कांग्रेस का साथ मत देना कमलनाथ का साथ मत देना सच्चाई का साथ और देते देते ठीक है ना हाँ लेकिन हाँ और पार्टी और पीछे जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय नकुलनाथ जय जय नकुलनाथ अरे पीछे अबे आना इधर आना जब इटर जब जब खड़ा हो जाए आज सिंगोड़ी क्षेत्र के लगभग 50 युवाओं ने कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी से प्रेरणा लेकर आज कांग्रेस ज्वाइन किया है और हमारे सिंगोड़ी क्षेत्र के पूरे युवा आज कांग्रेस ज्वाइन किए हैं। माननीय विक्रम अहके जी के और पंकज पटेल के नेतृत्व में आज हमने कांग्रेस की सदस्यता ली है और हम पूरी मन तन मन धन से कांग्रेस के लिए काम करेंगे, यही मेरी मनोकामना है। और हम भाजपा के लिए समर्पित थे और हम उसके लिए काम करते थे और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे और बजरंग दल में हम लोग काम करते थे। आज आपने कांग्रेस ज्वाइन की है, कितने 50 लड़के हैं? 50 से ऊपर युवाओं ने कांग्रेस ज्वाइन किया। सर नीमच में कल एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई सर, उसको मुस्लिम समझ के, सर क्या कहना है सर? क्या कानून बीजेपी ये चैलेंज ये योजना तैयार कर रही है कि समाज को कैसे बांटा जाए,
क्योंकि इनके पास कुछ कहने लायक नहीं है, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के बारे में, किस तरह समाज को बांटे, ये एक शुरू बात है। पहले धर्म के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करेगी, तब जाति के आधार पर, ये आज उनकी रणनीति और उनका उनकी सोच है। जिले के लाडले नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के जन्मदिवस पर आज कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर दिखाई दिया। करबला चौक पर पार्षद आदिल लाला और चंदू बाबा के द्वारा पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह को लड्डुओं से तौला गया और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी गई। करबला चौक पर ही परफेक्ट फर्नीचर के संचालक शमशाद भाई द्वारा अपने लाडले नेता चौधरी चंद्रभान सिंह का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने स्थल पर केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया और सभी के प्यार और स्नेह के लिए आभार प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी व शुभचिंतक उपस्थित रहे। जिले के सांसद नकुलनाथ ने अपने चार दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचने से पूर्व आज नागपुर से सड़क मार्ग द्वारा सौंसर पहुंचकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सौंसर के नवनिर्मित कार्यालय का उद्घाटन किया। सौंसर में कांग्रेस के नवनिर्मित कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया, क्षेत्रीय विधायक विजय चौरे, भागवत महाजन सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेस जन व भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब वहां रोक दो ना गेट पे। मैं पुराने कार्यालय को याद करता हूँ जो मेन रोड पे हुआ करता था, अक्सर रुकता था मैं, लेकिन आज इस कार्यालय में आके मुझे पूरा विश्वास है कि नए कार्यालय के साथ
हमारे कांग्रेस के जो साथी हैं उनमें एक नई ऊर्जा आई। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे पंचायत, हमारे निकाय, नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। साथियों, ये चुनाव को हल्के में मत लीजिएगा। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसे आप विधानसभा और लोकसभा का सेमीफाइनल मान के चलिए। ये चुनाव आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव में आप किसी को वोट देंगे भोपाल भेजने के लिए नहीं, किसी को वोट देंगे दिल्ली भेजने के लिए नहीं। जिसको आप वोट देंगे वो तो आपके बीच में, आपके गांव में है। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय में केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ युवा उपस्थित रहे। सभी ने उन्हें बधाई देते हुए उनके स्वस्थ दीर्घायु जीवन की कामना की। लालबाग क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं ने अपने लाडले नेता का जन्मदिन आतिशबाजी, ढोल धमाके के साथ केक काटकर मनाया। कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने भी उनके साथ नाचकर उनके उत्साह को दुगना कर दिया। शहर की हृदय स्थली राम मंदिर छोटे बाजार में आज युवा भाजपा नेता विक्की सोनी के नेतृत्व में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने केक काटा व सभी से मिले प्यार और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया।
माता जी जय। बोलिए राजा रामचंद्र हनुमान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। द्वितीय बार जो है छिंदवाड़ा शहर का हृदय स्थल और यही मेरा जन्म हुआ, यही छिंदे छिटे पड़े हुए और इस क्षेत्र में भाजपा को अपार समर्थन हमेशा से मिलता है अनादि काल से। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा समय था जब खुद वार्डों में जीतती थी, इन ये छोटी हजार का ही मार्च हुआ करता था। आज हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे राजा कार्यकर्ता बड़ा श्रेय मिला। मैंने 28-29 साल की उम्र में विधायक मंत्री बन गए और पार्टी ने मेरे को बहुत कुछ दिया और भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने बहुत दिया। मैं इन कार्यकर्ताओं का ऋण कभी नहीं चुका सकता। आप सबका श्रेय प्यार सदा इसी तरह मुझे चले और सब मिलकर इस भारत माता के लिए देश के लिए काम करें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। इसी क्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रमान सिंह गोधूली वृद्धाश्रम पहुंचे और बुजुर्गों को फल वितरित कर सभी से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज जन्म दिवस है और आज सभी से मिलने, आप सभी से मिलने के लिए और आपका आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं गोधूली आश्रम में और समस्त यहाँ के हमारे रहवासी से आशीर्वाद मांगना चाहूँगा कि हमारे लाडले नेता को लंबी उम्र दें, सुख समृद्धि और परम वैभव पे हम सबको स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और माननीय चंद्रमान जी भी आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जिले की आन जिले की शान, चंद्रमान चंद्रमान। जिले की आन जिले की शान, चंद्रमान चंद्रमान। उपस्थित सभी बुजुर्गवानों, सबकी सेवा करके एक संकल्प लेके समाज के बीच में आप सबके बीच में हमेशा उपस्थित रहे और वो आज आ रहे हैं ऐसा नहीं। जवानी के 28 साल की उम्र में आप छिंदवाड़ा के विधायक बने और उतनी उम्र में आप मंत्री बने और जब से ही निरंतर समाज के बीच में पहुंचकर, बुजुर्गों के बीच में पहुंचकर, हर गांव गरीब किसान और असहाय की मदद करने वाले हम सबके लाडले नेता का आज जन्मदिन है 22 मई। और निरंतर ऐसा काम करने वाला व्यक्तित्व और निरंतर सेवा करके अपने पूरे परिवार के साथ पूरा जो एक उनका जो उनके पिताश्री स्वर्गीय कुबेर सिंह जी चौधरी जैसा उनका नाम था वैसे ही अपने खानदान का परिचय देते हुए आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा वार्डवार बैठकों का दौर निरंतर जारी है। 21 मई की रात वार्ड नंबर 27 पोपलीवाड़ा स्थित श्रीराम मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश पोफली ने सभी कार्यकर्ताओं को आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मार्गदर्शन प्रदान किया व पार्षद उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प दिलाया। आज स्थानीय श्री राम मंदिर गणेश चौक पोपलीवाड़ा में वार्ड नंबर 27 की आने वाली नगर पालिका निकाय के चुनाव को लेकर और एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में हमारे बीच में हमारे इस वार्ड के प्रभारी पंकज पाटनी जी, हरिओम जी सोनी, नरेंद्र जी, सुरेंद्र महाराज, हमारे अरविंद राजपूत और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता संजय जी और रजुआ जी सहित सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए। बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने
रणनीति बनाई है और उस रणनीति के तहत आने वाला और वार्ड पार्षद का चुनाव हम यहाँ पर लड़ेंगे। पिछले बार जो थोड़े बहुत मतों से हम पराजित हुए थे, क्योंकि हमारा यह वार्ड अजेय वार्ड है और जो कलंक हब पे लगा उसको हम निश्चित रूप से इस चुनाव में धोएंगे। जो भी हमारा प्रत्याशी होगा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, उसको और पूर्ण रूप से हम अच्छे मतों से जिताएंगे। यह संकल्प सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लिया और हनुमान जी के पूजन के साथ ही बैठक का समापन हुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने आज अपने जन्म दिवस के मौके पर अनगढ़ हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद मांगा। अनगढ़ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के पश्चात पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने जिला अस्पताल के गेट नंबर 3 पर कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा व उनका मुंह मीठा कराया। चंद्रमान भैया आगे पढ़ो, हम तुम्हारे साथ। चंद्रमान भैया आगे पढ़ो, हम तुम्हारे साथ। बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये है। इस दौरान उनके समर्थकों द्वारा जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रमान सिंह ने मरीजों को फल वितरित कर उनसे हालचाल जाना। ओ भैया सामने साटने, अरे यार ये फूट। बोहता रोड स्थित वृंदावन लॉन में आज पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर जन अधिकार सेवा समिति द्वारा निशुल्क नेत्र जांच व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में मरीजों ने लाभ लिया। शिविर स्थल पर पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह भी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जनता पार्टी इसी नंबर में राजनीति के साथ सेवा के रूप में भी, दखल के रूप में भी सब काम को कार्यक्रम पर चलाते हैं और इसलिए हमारे देश में का ये सबसे बड़ी माया निरोगी काया, लोग स्वस्थ रहे, अच्छे रहे और इसलिए हमने निरंतर प्रयास किया है। आज यहाँ आई कैंप लगा, इसकी गैली भी लगा था। शहर में भिक्षा वृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वाले दिव्यांग संतोष साहू और उसकी पत्नी मुन्नी का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जो बहुत से लोगों के द्वारा पसंद भी किया जा रहा है। दरअसल छिंदवाड़ा की सड़कों पर भीख मांग कर अपना गुजारा करने वाले दिव्यांग संतोष साहू का अपनी पत्नी के लिए प्यार चर्चा का विषय बना हुआ है। संतोष दोनों पैर से दिव्यांग है, वह रोजाना बस स्टैंड के आसपास भीख मांग कर अपना गुजारा करता है।
इस दौरान उसकी पत्नी मुन्नी ट्राइसिकल को धक्का दिया करती थी, जो उसे पसंद नहीं आता था, जिसके चलते उसने 4 साल में पाई पाई जोड़कर 90,000 रुपए जमा किए और इन पैसों से एक मोपेड खरीदी। साथ ही अपनी पत्नी के साथ गाड़ी पर घूमते हुए उसने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो काफी पसंद किया जा रहा है। संतोष ने बताया कि उसे रोजाना करीब 300 से 400 रुपए मिल जाते हैं, साथ ही दोनों टाइम का खाना भी मिल जाता है। यहां हम आपको ये बता दें कि इससे पूर्व छिंदवाड़ा की गलियों में बार कोड के माध्यम से भीख लेने वाला डिजिटल भिखारी काफी सुर्खियां बटोर चुका है और अब लोगों से पैसे मांगकर मोपेड वाहन खरीदने वाले भिखारी दंपत्ति सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस खबर को प्रसारित करने का उद्देश्य भिक्षावृत्ति को बढ़ावा देना कतई नहीं है, अपने दर्शकों को जानकारी हो इसलिए इसे प्रसारित किया गया है। तो कितने में गाड़ी? गाड़ी में भैया कितने में लिए गाड़ी? 90,000। कैसे बचा पाते हो पैसे? अभी पेट्रोल इतना महंगा, फिर दिक्कत नहीं होगी? नहीं, जो गाड़ी की तबीयत खराब हो गई थी वो कबोची थी, धक्का मारते वैसे नहीं बनता, घाटे का नहीं बनता, दीवार जाए गाड़ी के ट्राई थकिन में तो वो विवाह हो गई थी तो भर्ती रही 50,000 लगे। कौन देगा 50,000 लगे ट्रीटमेंट में? नहीं बता, दिखाई ले ले, इसलिए एक आई उठाया मजबूरी में। कितना पैसा? 90,000 कह दिया हूँ नकदी। हाँ कैश। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष कुमार साहू। स्थानीय पोला ग्राउंड में दादाजी धुनी वाले दरबार समिति द्वारा 9 दिवसीय संगीतमय सीताराम संकीर्तन का आयोजन किया गया है, जो 26 मई तक निरंतर जारी रहेगा। महंत बालक दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिदिन विशाल भंडारा एवं महाप्रसाद का वितरण भी किया जा रहा है। विश्व शांति, कोरोना महामारी से मुक्ति व अच्छी बारिश की कामना से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण अपनी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं। आप स्टेज पर चलो जो ये संकीर्तन चल रहा है, ये कब से शुरू हुआ, कब तक चलेगा और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो हनुमान जी महाराज की जय पहले जो ये 18 मई से चालू हुआ है, 26 मई तक चलेगा। मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बोला ग्राउंड हमारे जितने भी सभी भक्तगण, जितने भी मध्य प्रदेश वासी हैं, बताएं बहने सभी को, छोटे बड़े सभी को अपने राम राम के रस में लाने के लिए ये हमारे गुरु महाराज का आदेश है, जली बाबा का, दीपक दास जी महाराज का, हमारे आदेश है गुरु महाराज का कि बेटा जहाँ भी रहना अपने को राम राम की ही धर्म का ध्वजा ऊंचा करना है।
ठीक ना, श्री रामचंद्र जी की जय। नरसिंहपुर रोड पर खापाभाट ग्राम में 16 से 23 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। स्थल पर वृंदावन धाम से पधारे आचार्य शुभम कृष्ण महाराज भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, जिसके अंतर्गत पूतना मोक्ष, माखन चोरी, कालिया मर्दन एवं गोवर्धन नाथ की कथा सुनाई गई, जिसके मध्य गिरिराज महाराज को 56 भोग लगाए गए। स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण कथा श्रवण कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। इन तमाम खबरों को जानने के लिए आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। सिटी हलचल की सुर्खियां, आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा, हवाई पट्टी पर हुआ भव्य स्वागत, मीडिया से भी हुए रूबरू। पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न स्थानों पर केक काट कर दी शुभकामनाएं। जिले के सांसद नकुलनाथ ने सौसर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन, निकाय चुनावों को लेकर दिया मार्गदर्शन। और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा, वरिष्ठ नेता वार्डों में ले रहे कार्यकर्ताओं की बैठक, दे रहे चुनावी जीत का मंत्र। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।